पल्स और अन्य फाइनेंस कंपनियों के झांसे में आकर अपने पैसे गंवाने वाले मासूम निवेशक पैसा वापस मिलने के आस में दर दर भटक रहे हैं। पैसा जमा किए हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं, लेकिन पैसा वापस मिलने की कोई गारंटी नहीं दिखाई दे रही। लेकिन अब इन मासूम निवेशकों को पैसा मिलने की आस दिखाई दे रही है। इस आस में वो लगातार कचहरी के चक्कर काट रहे हैं और संबंधित अधिकारियों से मिलकर अपने फॉर्म भी जमा कर रहे हैं। फॉर्म जमा करने वाले निवेशकों की संख्या लगातार कलेक्ट्रेट पर बढ़ती जा रही है। मंगलवार को निवेशकों की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारी संख्या उमड़ जाने के बाद जिला प्रशासन द्वारा अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ी। कलेक्ट्रेट स्थित मुशायरा ग्राउंड में जिलाधिकारी के निर्देश पर 10 काउंटर लगाए गए, जहां निवेशकों की लंबी कतारें लगी हुई थी। सभी लोगों को आस है कि शायद उनका पैसा वापस मिल जाए। भैया, ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक समिति का गठन किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में ये मामला आया था कि PACL और उसकी सहायक कंपनियां लगभग पूरे भारतवर्ष में 49,000 करोड़ के लगभग जो विनिवेश पैसा किया गया था वो डिफॉल्ट हो गई है कंपनी। तो पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे डिफॉल्टर ऐसे जिन्होंने पैसा विनियोग किया हुआ है और कंपनी डिफॉल्ट करके, ये वो लोग यहाँ पर हैं। तो ये मुरादाबाद के वह लोग हैं जिन्होंने उन कंपनियों के बॉन्ड ले रखे थे, जिनकी जिस जिस अवधियां समाप्त हो रही थी उन अवधियों में कंपनी ने उनको पैसा वापस नहीं किया। ये वो एप्लीकेंट है जो अपने बॉन्ड के साथ यहाँ पर है। लगभग अब तक कितने फॉर्म जमा हो चुके हैं? लगभग 20,000 एप्लीकेशंस कल तक जमा हो चुकी हैं और आज उम्मीद है कि लगभग 8 से 10 हज़ार एप्लीकेशंस आ जाएंगे। वहीं अपर जिलाधिकारी ने बताया कि भीड़ को देखते हुए कलेक्ट्रेट में अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे क्या कहा, आइए सुनते हैं। ग्रुप के क्या कहेंगे आप? ये पल्स के नहीं है, ये जितनी भी वित्तीय कंपनियां, प्राइवेट वित्तीय कंपनियां थी और उसमें जो लोगों ने पैसा लगाए थे उनकी ये शिकायतें दर्ज हो रही हैं और शिकायतें दर्ज करके इनका एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा। डाटाबेस तैयार करने के बाद जब उत्तर प्रदेश सरकार अपना एक पोर्टल डेवलप करेगी उस पोर्टल पे फिर इनको अपलोड करना है। ये सब काम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश क्या, हम लोग जो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पे कर रहे हैं। कितनी संख्या होगी सर मुरादाबाद? अभी तक करीब करीब 28,000 के आसपास शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं और प्रतिदिन शिकायतों की संख्या बढ़ी रही है। क्या मानते हैं निवेशकों की संख्या मुरादाबाद जनपद में कितनी होगी? अब अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इस विषय में। कुल मिलाकर कलेक्ट्रेट में फाइनेंस कंपनियों के झांसे में आकर अपने पैसे गंवाने वाले निवेशक पैसा वापस मिलने की आस में अपने फॉर्म भर रहे हैं। उनका पैसा वापस मिलेगा या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।